नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हमारे एक दर्शक, हमारे मित्र अमरेंद्र कुलकर्णी, उन्होंने ये जो है एक मैसेज लिखा कि आज का एपिसोड गौर से देखा सर, एक जवाब दो जो शिवानी किशोरी शाने को बोल रही थी बुरी तरह, आफ्टर 5 मिनट्स शी सपोर्टेड हर। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली दैट ये शिवानी और नेहा का प्लान था टास्क नहीं होने देने का। आपको क्या लगता है, क्या मेरी थिंकिंग राइट है? आज के एपिसोड में शिव भी नहीं अच्छा लगा मुझे, ये टास्क भी रद्द हो गया, हाथ में कुछ नहीं आया और रकम भी 17 लाख हो गई। वेरी सैड, दिस इज़ माई ट्यूडेज रिव्यू, प्लीज़ शेयर इट। तो मैं शेयर कर रहा हूँ अमरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मैंने शेयर किया, कोशिश कीजिए आप लोग के इस तरह अपने वॉइस मैसेजेस भी भेज दीजिए और अपना वीडियो भी आप भेज सकते हैं हमारे नंबर पे। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सही मुझे भी लगी थी, किस तरह से उन्होंने कंफ्यूज किया टोटली सबको। पहले उन्होंने शिव को सपोर्ट किया, बाद में शिव के खिलाफ हो गए कि शिव को उतरना चाहिए, शिव को ये होना चाहिए, फिर एक उधर हो गई, एक उधर हो गई। बाकायदा तौर पर वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं ये टास्क जो है, जैसे अरो के बाद तो बिल्कुल ही है कि अरो कला नॉमिनेट, एक साथ अकेला नॉमिनेट नहीं होना चाहिए, नॉमिनेट होते हैं तो ये सभी हों, कोई भी एक भी इनमें से, अभी टिकट टू फिनाले किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सभी नॉमिनेट होते हैं ताजो एक हफ्ता और रिस्क बना रहे और इनमें से जनता का क्या पता किसी और को भी घर से बाहर निकाल देते। अगर शिव ठाकरे या किशोरी सैलने का पत्ता साफ हो जाए तो बहुत सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो किशोरी शाने को घर से बाहर निकालना चाहती थी नेहा शितोले और शिवानी सुरभि, क्योंकि उनको पता है कि एक बंदा इतनी देर से घर में बचता आ रहा है। जैसा कि नेहा ने कहा, ये किस्मत से बचती आ रही हैं। भैया, किस्मत से नहीं बचती आ रही हैं, जनता बचा रही है उनको। कहीं ना कहीं अंदर से हिल गए हैं कि जनता हर बार सेव करती है, हर बार लगता है कि किशोरी ताई जाएंगी लेकिन चला जाता है कोई और ही, तो भैया कहीं ये विनर तो नहीं है, इसलिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हुई थी दोनों कन्याएं। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल जैसे है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नेहा शितोले बीच में बहुत तगड़ी जो है कंटेस्टेंट हो गई थी, तो लेकिन और छवि भी उनकी काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन कैसे शिवानी सुरभि के आने के बाद नेहा भी अब उस उनके रंग में रंगती जा रही है और नेहा शितोले की भी छवि दर्शकों के आगे नेगेटिव होती जा रही है धीरे धीरे। नहीं तो नेहा शितोले बिग बॉस की ट्रॉफी की बाकायदा तौर पे हकदार थी, लेकिन शिवानी का तो वो कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो नेहा शितोले को भी अपने साथ ही घर से बाहर ले जाएंगे शिवानी सुरभि। तो आपका क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.